हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्काइव टुगेदरनेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट एलोवेरा इन डिटेल। ठीक है, आज हम लोग एलोवेरा प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी फार्माकोलॉजिकल सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी करते आज का प्लांट एलोवेरा हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं। इसका सिनोनिम देखते हैं, तो इसको हम लोग एलोए बोलते हैं हिंदी में, इसे हम लोग मुसाबर भी बोलते हैं, कुमारी, या फिर मराठी में इसके कॉर्फट भी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं कहाँ से कि प्लांट हमको ऑप्टेन होता है। तो मेनली ये हम लोग प्लांट जो है, इसका हम लोग लीफ का कलेक्शन करते हैं। आप लोग नॉर्मली भी जानते होंगे कि एलोवेरा के प्लांट का हम लोग लीफ ही कलेक्ट करते हैं, बाद में उसके ड्राइड जूस का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो किस किस प्लांट से करते हैं, तो हम लोग एलोए बारबाडेंसिस प्लांट से करते हैं, जिसको हम लोग कुरैको एलोए भी बोलते हैं, या फिर एलोए पेरी बीकर प्लांट होता है हमारा। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज हैं ये। ठीक है, इसको हम लोग स्कोट्राइन एलोए भी बोलते हैं, और इसके अलग भी एक एलोए फिरॉक्स मिलर। ठीक है, ये स्पीसीज है, और इसकी कुछ हाइब्रिड स्पीसीज हैं, जैसे कि एलोए अफ्रीकाना मिलर, एलोए स्पिकाटा स्पिकट। हाँ ठीक है, इन सारी स्पीसीज से हम लोग इसका क्या करते हैं, लीफ का कलेक्शन करते हैं, बाद में फिर हम लोग ड्राइड जूस का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और एलोए स्पिकाटा जो हमारा काटिया प्लांट है, इसको हम लोग केप एलोए भी बोलते हैं। ये हमारा फैमिली लिलिएसी का मेंबर है, लिलिएसी फैमिली से ये सारे प्लांट बिलोंग करते हैं। इसका जियोग्राफिकल सोर्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे और ये प्लांट पाया जाता है। तो ये हमारा इंडिजिनस प्लांट है ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका का। ठीक है, मोस्टली इसका कल्टिवेशन हम लोग कैरिबियन आइलैंड की साइड इसका ज़्यादा होता है, लेकिन यूरोप में भी ये प्लांट पाया जाता है, और इंडिया में भी ये प्लांट पाया जाता है। इसका कल्टिवेशन कलेक्शन इंडिया में भी किया जाता है। ठीक है, कल्टीवेशन कलेक्शन की प्रोसेस में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अभी हम लोग। तो इसका जो प्रोपेगेशन करते हैं कि हम लोग रूट के मेथड के, रूट जो हमारा होता है, जो कि मॉडिफाइड सकर होती है, रूट हमारा सकर के फॉर्म में होता है। सकर्स के बारे में डिटेल में आप लोग, रूट का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है ये सकर, वो इजिली मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। ठीक है, रूट सकर ये हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट का सकर हम लोग लेते हैं, इसका प्लांटेशन कर देते हैं रो के फॉर्म में। पहले हम लोग अपना फील्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं, और इसका प्लांटेशन ऐसे करते हैं कि हमारा जो एक प्लांट है दूसरे प्लांट से 90 सेंटीमीटर अपार्ट, इतना कम से कम एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब वो प्लांट का ग्रोथ होगा तो उसके लीव को स्प्रेड आउट करने के लिए स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, ये हमारा प्लांट, ये हमारा ऐसा प्लांट है जो कि हमारा पुअर ग्रेड सॉइल्स जो होती हैं, जो कि हमारे जहाँ पे फर्टिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे भी इसका प्लांट इजिली ग्रोन अप हो जाता है। और ड्राई एरियाज, जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, जैसे कि राजस्थान गुजरात साइड हो गया, यहाँ पे भी इसके प्लांट इजिली हमारा फाउंड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा प्लांट जो है कितना ज़्यादा ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, इसकी जो रूट है ये बहुत ज़्यादा अंदर तक सॉइल में पेनिट्रेट नहीं होती, बहुत अंदर तक नीचे नहीं जाती हैं। इसकी ग्रोथ के लिए हमें मैन्योर की आवश्यकता पड़ती है, जिसका लीफ होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट का कट ऑफ हम कब करते हैं, जब हम इसका प्लांटेशन प्लांट का कर देते हैं, तो इसके 2 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम इसके लीव्स का कटिंग करते हैं। फर्स्ट टाइम लीव के कटिंग करने के बाद फिर उस प्लांट को छोड़ देते हैं, वैसे ही उसका रूट नहीं निकालते हैं, सिर्फ लीव का ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग कटिंग लगाते हैं। ठीक है, जब ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग कटिंग लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे जो जूसेस होते हैं, एलोइस जूस होता है उसमें हम लोग, वो भी हमको येलो कलर का मिलता है। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, लीव्स का कलेक्शन करने के बाद उस प्लांट को छोड़ देते हैं, और फिर हम लोग जब फिर से वापस से जब उसमें लीव्स का पूरा ग्रोथ हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फिर से कटिंग कर लेते हैं। तो इसका हम लोग 12 ईयर्स तक, आप देख पा रहे होंगे फील्ड में, ऐसे ही हम इसका 12 ईयर तक का कलेक्शन का प्रोसेस करते हैं। लेकिन 12 ईयर के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्लांट को अनरूट कर देते हैं, या इस प्लांट को उखाड़ के फेंक देते हैं, और दूसरा प्लांट का हम लोग कल्टिवेशन कलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं,
तो ये चार वैरायटीज जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट में बताया था, इन्हीं के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं, कुराको एलोए, ठीक है। इसका अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है रिजेंबलिंग टू आइडोफॉर्म। अगर आप आइडोफॉर्म जो हमारा होता है, ठीक है, उसके ऑर्डर उसकी स्मेल से ये मैच करता है। टेस्ट इसका हमारा बिटर होता है। कलर अगर आप देखेंगे तो ब्राउनिश ब्लैक टू ओपेक मास होता है। फ्रैक्चर देखेंगे तो इसके फ्रैक्चर जो होते हैं अनइवन फ्रैक्चर्स होते हैं सरफेस पे जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अनइवन होते हैं। अब दूसरा हमारा केप अलॉय के बारे में पढ़ते हैं। केप अलॉय जो होता है इसका कलर डार्क ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन होता है। ऑलिव ब्राउन मास का इसका अपियरेंस होता है। टेस्ट देखेंगे तो ये नॉजिएटिंग होता है कि नॉजिया कॉज करते हैं, और बिटर टेस्ट इसका भी होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। यहाँ पे टेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये नॉजिएटिंग एंड बिटर होता है। ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर इसका स्योर होता है, खट्टा होता है, डिस्टिंग होता है। अगर इसका आप फ्रैक्चर देखेंगे तो ये ग्लासी फ्रैक्चर को शो करता है। ये हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया कुराको एंड केप अलॉय का, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। स्कुडराइन अलॉय के बारे में देखते हैं। इसका हमारा कलर जो होता है ये ब्राउनिश येलो होता है या ओपेक मास विद द, ठीक है, पेस्टी कंसिस्टेंसी। इसका जो हमारा पेस्ट होता है इसका पेस्टी कंसिस्टेंसी ये शो करता है। मतलब इसका जो एलोए होता है वो एपिक मास जो होता है वो होता है वो काफ़ी मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है। टेस्ट इसका देखेंगे तो एक्सट्रीमली बिटर होता है। याद रखेंगे कि एक्सट्रीमली बिटर होता है ये, नॉजिएटिंग ये भी होता है हमारा। ऑर्डर देखेंगे तो अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है, इसकी अच्छी ऑर्डर नहीं होती है, ठीक है। जांजिबर एलोए के बारे में देखेंगे तो कलर हमारा जो इसका होता है लीवर ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है, लीवर ब्राउन कलर का होता है। ऑर्डर इसकी करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है बट नॉट डिसइंट्रिगेबल, ठीक है। इसको हम लोग मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, डिसइंट्रिगेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये हो गया। टेस्ट अगर आप इसका देखेंगे तो टेस्ट ये बिटर टेस्ट का होता है। फ्रैक्चर देखेंगे तो ये डल वैक्सी स्मूथ ये हमारा फ्रैक्चर का शो करता है। ये हमारा स्कुडराइन एलोए और हमारा जांजिबर एलोए के बारे में हो गया। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारा स्कुडराइन एलोए जो होता है वो एक्सट्रीमली बिटर होता है, ठीक है, और ये हमारा जो होता है ये बिटर टेस्ट होता है, डल वैक्सी कलर ये शो करता है। ऑर्डर हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। अब इसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, अगर इसका माइक्रोस्कोप में हम लोग इसका विजन करेंगे तो ये हमें कैसे अपीयर होगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये हमारा एलोवेरा का प्लांट है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारी बाहर की लेयर है दैट इज हमारी क्यूटिकल इपिडर्मल लेयर है। इसमें हमारे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं कांटे के दार पे, और ये हमारी सेसाइल लीव्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ओपनेबल लीव्स नहीं होती जैसे अदर प्लांट के कंपेरिजन में देखा जाए तो, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, हमारा माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक। ट्रांसवर्स सेक्शन में हम इसका कटिंग करते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन में आउटर मोस्ट जो हमारा लेयर होता है क्यूटिकल, ठीक है, इसके बाद हमारा क्यूटिकल के बाद इपिडर्मिस होता है, इपिडर्मिस के बाद हमारा पॉलीसेट टिश्यू होता है, उसके बाद हमारे म्यूसिलेजिनस पैरेन्काइमाइटिस या मीजोसिल होता है। म्यूसिलेजिनस पैरेन्काइमाइटिस जो सेल्स होती हैं वो जो मेन एलोए होता है जिसका हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसको या फिर जिसमें हमारी मेडिसिनल वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से हम उसका एलोवेरा का यूज करते हैं, वो हमारी म्यूसिलेजिनस पैरेन्काइमाइटिस मीजोफिल टिश्यूज में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इन्हीं मेसोफिल्स टिश्यूज के अंदर हमारा वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जो कि कवर्ड होता है पेरिसाइकल फाइबर से, और इन पेरिसाइकल फाइबर्स के अंदर हमारा एलियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। एलियोसिट जो हमारी ये होती है एलियोटिक सेल्स होती हैं, एलियोटिक सेल्स ये कंटेन करती हैं एलोई जेल को। एलोई जेल को ये अपने अंदर विस्कस येलो कलर के, जो आपने देखा होगा आपने कभी कटिंग की होगी तो विस्कस येलो कलर का जो हमको सब्सटेंस अपीयर होता है वो हमारा एलियोटिक सेल्स की वजह से होता है, ठीक है, जो कि इनसाइड प्रेजेंट होती है हमारा पेरिसाइकिल में। पेरिसाइकिल हमारा सराउंड किया होता है वैस्कुलर बंडल को, और इसमें हमारी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसके पैरेन्काइमा में, ठीक है। लीव जो होती हैं बहुत ज़्यादा ओपेनेबल नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब कि सेसाइल लीव्स प्रेजेंट होती हैं, कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब बहुत वाइड नहीं होती हैं, ये पॉइंटेड सेसाइल स्ट्रक्चर्स में होती हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर में होता है क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा समर जहाँ पे है या ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे भी इसका प्रोपेगेशन होता है या इजिली होता है, ठीक है। तो ड्यू टू लेसर लॉस ऑफ वाटर, कम पानी का लॉस हो, कम ट्रांसपिरेशन हो, उसके लिए इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है इसकी लीव जो हमारी सेसाइल होती हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा में, ठीक है।
ये हमारा माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में कटिंग करती हैं, प्लांटेशन के 2 ईयर्स में करती हैं, फिर 12 ईयर तक कॉन्टिन्यूस, फिर हम लोग इसका आराम से, हम लोग जब इसकी लीफ प्रॉपर ग्रोथ फॉर्म में या प्रॉपर अपनी ग्रोइंग स्टेज में आ जाती है, प्रॉपर इसका ग्रोथ हो जाता है, तो हम लोग इसके लीफ का कटिंग करते हैं। लेकिन 12 ईयर्स के बाद हम लोग इसको प्लांट को अनरूटेड कर देते हैं, मतलब उस प्लांट को उखाड़ के फेंक देते हैं, उसकी जगह पर दूसरा प्लांट लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा कल्टीवेशन कलेक्शन में मैंने आपको बताया था उस टाइम। अब हम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एलोए पाउडर के बारे में। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाउडर एलोए। ठीक है, ठीक इस स्टडी ये हम लोग स्टडी करते हैं टू सोल्यूबलाइज द पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल कैन क्लियरली सीन। ठीक है, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये भी हमारा आता है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। कुराको एलोए जो हमारा होता है, इसका क्या होता है कि फ्रैगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल नीडल एंड स्लेंडर प्रिज्म। ठीक है, जिसके फ्रैगमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंसिस्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल, बहुत ढेर सारे छोटे छोटे हमारे साइज में, छोटे छोटे साइज में नीडल लाइक स्लेंडर प्रिज्म प्रेजेंट होता है। कीप एलोए में देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट, हमारा ये ट्रांसपेरेंट होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, एंगुलर एंड इररेगुलर फ्रैगमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। इसको ट्राइन एलोए में देखेंगे तो फ्रैगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज प्रिज्म, इसमें हमारा लार्ज प्रिज्म स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन अ ग्रुप और इन अ डिस्पर्स फॉर्म। हो सकता है कि वो ग्रुपिंग में हो या हो सकता है वो डिस्पर्स फॉर्म में हो। जांजिबर एलोए में देखेंगे तो इररेगुलर लंप होते हैं हमारा, गांठ जो होते हैं लम्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, इन विच द मॉड्यूलर मास आर एम्बेडेड, जिसमें हमारा मॉड्यूलर जो हमारा मास होगा वो उसमें धंसा रहता है अंदर, एम्बेडेड फॉर्म में हमारा होता है। ये माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक है हमारे, ये डिफरेंट चार वराइटीज जो हमारा है, कुराको एलोए, केप एलोए, स्कोट्राइन एलोए एंड जांजिबर एलोए। ठीक है, इसके फ्रैगमेंट्स की स्टडी करते हैं ताकि जब हम इसको पाउडर फॉर्म में एलोए कर ले तो इसके आइडेंटिफिकेशन जब अगर हम करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तो हमें वो कैसे अपीयर होगा, तो हमें इसके पता होना चाहिए, तो उसके फ्रैगमेंट्स कैसे कैसे कंसिस्ट होते हैं। तो ये इन्हीं फ्रैगमेंट्स के बारे में है कि ये हमारा, अगर आप कुराको एलोए में जाएंगे तो लार्ज नंबर में, नंबर लार्ज होगा लेकिन कि स्मॉल नीडल लाइक स्प्लेंडर प्लेज़ में प्रेजेंट होगा। केप एलोए में देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट ब्राउन एंगुलर एंड इररेगुलर फ्रैगमेंट्स मिलेगा। इसको ट्राइन एलोए में देखेंगे तो फ्रैगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज प्रिज्म में, ठीक है, ग्रुप फॉर्म में हो सकता है या डिस्पर्स फॉर्म में हो सकता है। जांजिबर एलोए में देखेंगे तो इररेगुलर लेंथ, मतलब कहीं कहीं इररेगुलरिटी, कोई रेगुलर नहीं है कि एक लाइन में अलाइंड है। ठीक है, इधर उधर हो सकता है, स्कैटर्ड फॉर्म में हमारा इररेगुलर लिम्स प्रेजेंट हो, जो कि मॉड्यूलर मास जिसमें हमारा एम्बेडेड होगा। ठीक है, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्लांट एलोए के बारे में। अब हम इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसमें इतनी ढेर सारी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। तो इसके केमिकल जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारा प्रेजेंट है एलोए के प्लांट में, वो है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ये हमारा एलोए प्लांट एक एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट के अंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में मैंने सेना प्लांट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मैं आपको आई बटन में ऊपर अटैच कर दूंगी, आप वहां से जाके उस प्लांट के बारे में भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, इसमें भी हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट जो हमारा प्रेजेंट है एलोवेरा प्लांट में, वो हमारा एलोइन होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बारबालोइन। ठीक है, क्योंकि ये बारबाडेंसिस जो हमारा वैरायटी है उसी से हमको ये मेनली ऑप्टेन होता है, इसलिए हम उसको बारबालोइन भी बोलते हैं। और ये हमारा बारबालोइन सी ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अंदर आता है। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बता दिया था, तो वहाँ पे मैंने इसको भी बताया था कि जो ये हमारा ऊपर जो आप देख रहे होंगे तीन रिंग की जो हमारी स्ट्रक्चर है, दैट इज एंथ्रासीन कंटेनिंग रिंग। ठीक है, ये हमारा एंथ्रासीन मॉलिक्यूल है, एंथ्राक्विनोन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये अटैच है जो हमारा ये बॉन्ड है जिससे कि हमारा सुगर मॉइटी जाके ज्वाइंट है। तो ये एक ग्लाइकॉन पार्ट जाके हमारा ग्लाइकॉन पार्ट से, दैट इज सुगर पार्ट से, कार्बन बॉन्ड के द्वारा डायरेक्टली जाके लिंक्ड है। इसमें और अदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो इसमें आइसोबारबालोइन पाया जाता है, बीटा बारबालोइन पाया जाता है, एलो एमोडीन पाया जाता है, रेजिन्स पाया जाता है, एलोटिक एसिड पाया जाता है, होमोनाटलोइन पाया जाता है, ठीक है, एलोसोन पाया जाता है, सैपोनिन कंटेनिंग कुछ ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं, ग्लूकोसैमेरिन्स पाए जाते हैं,
ठीक है, कुछ हमारे ठीक है हेक्सोरोनिक एसिड्स पाए जाते हैं, एलोय रेजिन कंटेन एलोसिन, ये सारे अदर भी हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा पाया जाता है, ये हमने बता दिया आपको ठीक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और उसके हमारे जो भी हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं हमारे इस प्लांट के बारे में वो मैंने आपको बता दीजिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल स्ट्रक्चर है, हमारा जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे प्लांट एलोइन का, दैट इज एलोइन और बार्बलोइन, ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। और ये दूसरा हमारा जो है ये एलोसिन का स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एज एन एग्जेक्टिव या एज एन परगेटिव, ये अपना एक्शन शो करती हैं ठीक है, जो हमारी कार्बिनेटिव या फ्लैटुलेंस होता है या फिर बहुत सारे स्किन डिजीजेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ठीक है। इन्हीं की वजह से इसमें इतनी मेडिसिनल वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। अब केमिकल टेस्ट देखते हैं, क्योंकि एडल्ट्रेशन कुछ कुछ सब्सटीट्यूएंट कुछ ऐड कर देते हैं ठीक है, इसका हम लोग केमिकल टेस्ट देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है हमारे स्पीसीजेज हैं ये, हो सकता है बाई नेकेड आई से हम सारी चीज़ को डिस्टिंग्विश करके ना मतलब बता पाए, लेकिन हम लोग टेस्ट करके चारों स्पीसीज के बारे में अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ठीक है। तो सबसे पहले जनरल केमिकल टेस्ट देखते हैं कि पहले तो ये देखेंगे कि हाँ ये हमारा एलोई का स्पीसीज है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलोई जो भी हमारा एलोई है उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको ड्राई करके हम लोग पहले जूस को लेके ड्राई करके उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 ग्राम एलोई ले लेंगे, पाउडर फॉर्म में एलोई लेंगे, उसको हम 10 ml वाटर के साथ बॉईल कर लेंगे। वाटर के साथ बॉईल करने के बाद क्या करेंगे उसको फिल्टर कर लेंगे ठीक है, और जो भी हमारा फिल्टरेट हमें मिलेगा जो भी हमारा फिल्टर ठीक है उसको हम लोग ब्रोमीन टेस्ट में या फिर हमारा जो इस कॉन्टेंट टेस्ट है इसमें हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले ब्रोमीन टेस्ट में देखेंगे तो हम उसको फिल्टरेट लेंगे, फिल्टरेट को हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं कि हमारा पुराना ब्रोमीन वाटर हो, ऐसा नहीं, ब्रोमीन जो हम लोग वाटर का प्रिपरेशन करेंगे वो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके साथ हम जब इसका एडिशन करेंगे फ्यू ड्रॉप्स में ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमें जो पेल येलो पिपटी का फॉर्मेशन होगा ठीक है, दैट इज द टेट्रा बॉर्मेलिन ठीक है, जो कि नीचे पेपिटी ऑफ टेट्रा बॉर्मेलिन हमको फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा एक जनरल टेस्ट है कि हाँ हमारा ये एलोई का स्पीसीज है, इसमें एलोई प्रेजेंट है। दूसरा हम इस कॉन्टेंट टेस्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे फिल्टरेट ले लेंगे और बोरैक्स को हम लोग इसकी बोरैक्स का ऐड करके हम लोग इसको शेक करेंगे। कब तक शेक करेंगे, अंटिल द बोरैक्स डिजॉल्व, जब तक कि हमारा जो हमने बोरैक्स लिया हुआ है वो पूरा डिजॉल्व ना हो जाए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स हम लोग सॉल्यूशन ऐड करेंगे ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन एडेड इन अ टेस्ट ट्यूब ठीक है। उसके बाद हम लोग उस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, फिल्ट करने के बाद फिल्ट करेंगे हम लोग इसको वाटर के साथ, दैट इज द ग्रीन फ्लोरेसेंस अपीयर, हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस अपीयर हो रहा है। तो देखिए हमारा जनरल टेस्ट हो गया, सबसे पहले तो हम लोग एलोई स्पीसीज को अपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 1 ग्राम बहुत बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हम लोग 1 ग्राम हम लोग लेंगे अपना पाउडर एलोई स्पीसीज को 10 ml वाटर के साथ इसको लेके हम लोग बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हम लोग इसको फिल्टर करेंगे ठीक है, फिल्टर करने के बाद जो हमारा फिल्टरेट मिलेगा हमें, जो भी हमारा एक्सट्रैक्शन मिलेगा हमारे एलोई स्पीसीज का, उसमें हम बोरीन टेस्ट या इस कॉन्टेंट टेस्ट करेंगे, ब्रोमीन टेस्ट है। ब्रोमीन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिल्टरेट ले लेंगे और फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्रोमीन वाटर का एडिशन करेंगे, तो हमें पेल येलो कलर का पीपीटी फाउंड होगा जो कि हमारा टेट्रा ब्रोमेलिन होता है हमारा ठीक है। इस कॉन्टेंट टेस्ट देखेंगे तो हमारे इसमें फिल्टरेट होगा, इसमें बोरैक्स को लेंगे, बोरैक्स को शेक करेंगे, शेक करने के बाद हमारा बोरैक्स हमारा फुली डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसके हम लोग फ्यू ड्रॉप्स एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम लोग वाटर, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा उसमें फ्लोरेसेंस अपीयर हो रहा है, फ्लोरेसेंस ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस हमारा अपीयर हो रहा है। अब हम इसका स्पेशल केमिकल टेस्ट देखेंगे। स्पेशल केमिकल टेस्ट में ये है कि हमने जो आपको 4 वैरायटीज बताई है एलोई की ठीक है, उसके बीच में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये वैरायटी ये है, ये वैरायटी ये है। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक स्पेशल टेस्ट का परफॉर्म करें ठीक है। अब हम उस स्पेशल टेस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अभी नाइट्रस एसिड टेस्ट ये हमारा पहला टेस्ट है, इसमें क्या करेंगे
एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ले लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाना है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1 ग्राम हमको लेना है एक्वस क्या हमारा जो पाउडर फॉर्म में हमारा एलोई स्पीसीज का एलोई का उसको फिर 10 ml हमारा वाटर में हम बॉईल करके जो भी हमको मिलेगा हमारा फिल्ट्रेट जो हमें मिलेगा वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया ठीक है एलोई का। उसको हमको लेके सोडियम नाइट्रेट क्रिस्टल के साथ हमको ऐड कर देना है और उसमें कुछ एसिटिक एसिड भी ऐड कर देना है ठीक है। इतना अगर आप कर देंगे तो आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशन अलग अलग कलर का अपीयरेंस मिलेगा ठीक है। इसका स्मेल या ऑर्डर हो सकता है कि ऑर्डर की वजह से वो अलग स्पीसीज का डिस्टिंग्विश हम लोग कर ले तो उसके कलर की वजह से। तो हमारा जो कुरैको एलोए होता है वो शार्प पिंक कलर देता है हमारा कार्मिन कलर देता है ठीक है। कार्मिन कलर शार्प पिंक टू कार्मिन कलर हमारा देता है नाइट्रस एसिड टेस्ट नाइट्रस एसिड हमारा जो टेस्ट है उसके साथ ठीक है। केप एलोए अगर आप देखेंगे तो फेट पिंक कलर हमको दिखेगा और जो स्कटराइन है हमारा जांजबेर एलोए है ये हमारा वेरी लेस चेंज इन अ कलर इसमें कलर हमारा जो है बहुत लेस चेंज होगा तो इससे आपको पता चल जाएगा ठीक है। अगर हमारा कलर पिंक टू कार्मिन कलर हमारा चेंज हो रहा है तो हमारा ये कराको एलोए की स्पीसीज है या तो हमारा कीप एलोए होगा तो हमारी फेंट फेट हमारा फेंट पिंक कलर हमें फाउंड होगा। अगर स्कॉटराइन या जांजिवर एलोए होगा तो हमें वेरी लेस चेंज हमें अपीयर होते दिखेगा हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में ठीक है। ये हमारा स्पेशल टेस्ट हो गया। नाइट्रस एसिड टेस्ट ठीक है क्योंकि इसमें हम लोगों ने नाइट्रस एसिड का यूज किया है। अब हम दूसरा टेस्ट देखेंगे हमारा ये नाइट्रिक एसिड टेस्ट है वो हमारा नाइट्रस एसिड टेस्ट था ये हमारा नाइट्रिक एसिड टेस्ट है ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे नाइट्रिक एसिड का हम लोग अप्लाई करेंगे टू द ड्रग और इट एक्वस सॉल्यूशन ठीक है। हम इसे डायरेक्ट पाउडर फॉर्म के ड्रग में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं ठीक है। तो हम जब कुछ हम कुछ ड्रॉप्स में हम लोग नाइट्रिक एसिड का टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के साथ एडिशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कुरैको एलोए है वो डीप ब्राउनिश कलर हमें अपीयर हो रहा है। केप एलोए जो है हमारा वो ब्राउनिश कलर चेंजेस टू ग्रीन हमारा पहले ये ब्राउनिश कलर में रहेगा फिर चेंज होकर ग्रीन कलर में आ जाएगा। हमारा स्कटराइन एलोए रहेगा तो ये पेल ब्राउनिश टू येलो कलर ये इसमें परफॉर्म हो जाएगा। जांजिबर एलोए या फिर येलविश ब्राउन कलर ठीक है ये हमारा जांजिबर एलोए देगा। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड टेस्ट हो गया। एक्वस सॉल्यूशन लेना है कुछ ड्रॉप्स में हम लोग नाइट्रिक एसिड का एडिशन करेंगे तो ये चारों वैरायटीज अलग अलग कलर का हमें रिजल्ट देंगे। कुरैको एलोए हमें डीप ब्राउनिश टू रेड कलर देते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा हमारा जो है ये हमारा कुप्रोलिन टेस्ट है ठीक है। ये हमारा जो कुप्रोलिन टेस्ट है कुप्रोलोइन टेस्ट है ये इसको हम लोग आइसो बार्बालोइन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग की डाइल्यूट एक सॉल्यूशन लेंगे एलोए का फिर उसमें हम लोग कुछ ड्रॉप्स में कॉपर सल्फेट का एडिशन करेंगे और हम लोग उसमें सोडियम क्लोराइड डालेंगे और 90% हमारा एक्सेस टू 90% हमारा अल्कोहल का एडिशन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी कुरैको एलोए स्पीसीज है ये वाइन रेड कलर परसिस्ट करेगी। मतलब कि हमारा कलर ऐसा नहीं कि बस फॉर्म हुआ और गायब हो गया नहीं कलर हमारा परसिस्ट करेगा रुकेगा 4 घंटे के लिए तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो ये है एलोए का स्पीसीज ये कुरैको एलोए है। अगर कीप एलोए होगा तो हमें फेंट कलर मतलब हल्का कलर हमें फेंट कलर हमें अपीयर होगा जो कि रेडली चेंज टू येलो जो कि तुरंत क्या होगा हमारा रैपिडली तुरंत चेंज हो जाएगा येलो कलर में। अगर स्कटराइन एलोए होगा तो इसमें कोई कलर अपीयर नहीं होगा और सेम होता है हमारे जांजिबर एलोए के साथ इसमें भी कोई कलर का अपीयरेंस नहीं होता है ठीक है। यूजेस देखते हैं हम इसके इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं एलोवेरा के तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे यूजेस हैं ठीक है। ये मैंने आपको टेस्ट बता दिया है। अब हम इसके यूजेस देखते हैं ठीक है। तो एज ए परगेटिव हम इसको यूज़ करते हैं। परगेटिव का यहाँ पे ये मतलब हुआ जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव होते हैं उनका हम एज अ परगेटिव यूज़ करते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन ये हिंदी में जिसको कब्ज बोलते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ दिलाते हैं। बॉडी का कूलिंग में इफेक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिशियल यूजेस हैं ठीक है। एज एन परगेटिव हम इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग परगेटिव है देन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड ठीक है। जितने भी हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिसमें कि हमारा मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंथ्राक्विनोन
क्विनिन है या एंथ्राक्विनोन है, ठीक है, उसमें सबसे स्ट्रांग हमारा पर्गेटिव इफेक्ट ये हमारा एलोवेरा का प्लांट शो करता है। जो इसकी हमारे जो जेल होती हैं, ठीक है, ये हमारा जो जेल होता है ये बहुत अच्छा एक पर्गेटिव एजेंट की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, इस जेल का एक्सट्रैक्शन करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका हम लोग एलोजेल भी बना के इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एलोजेल इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द इनर पैरेन्काइमा सेल ऑफ लीफ। ठीक है, ये हमें एलोजेल जो होता है ये हमको ऑप्टेन होता है इनर पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं उससे हमको ऑप्टेन होता है। स्लाइटली विस्कस होता है, चिपचिपा होता है एंड क्लियर लिक्विड और वाटर के जैसे हमारा जो क्लियर ये दिखता है हमारा लिक्विड एलोजेल का। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस लीफ का एक्सट्रैक्शन करती हैं हम लोग। ठीक है, इट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड विद द एलोज, इसमें किसी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।